दोस्तों, जब आपके अंदर किसी भी चीज का शौक हो तो आप हमेशा ही कुछ नया ट्राई करते हैं। जी हाँ, चाहे वो शौक खेत में ही काम करने का क्यों ना हो। वैसे भी हमारे देश में किसानों को अन्नदाता कहा गया है। दोस्तों, खेतों में फल तो हर आदमी लगाता है, लेकिन जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप भी कहोगे कि भाई ये सब्जियां, ये फल तो कुछ और ही हैं। क्या आपने इतने बड़े तरबूज देखे हैं कभी? इसे एक ट्रक में लोड करना पड़ रहा है। क्या आपने अपनी पूरी जिंदगी में एक ऐसा नींबू देखा है जिसका साइज आपके सिर से भी बड़ा हो? नहीं ना, तो चिंता किस बात की। आज हम आपको ऐसे ही फल और सब्जी दिखाने वाले हैं जो किसी पहाड़ से कम नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर और लास्ट में वीडियो की एडिटिंग, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बदले में बस आप लाइक, कॉमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने में देर ना करें। आपका प्यार हमारी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, एक कहावत है कि जब जिंदगी आपको नींबू देती है तो आप उससे शिकंजी बनाने की कोशिश करें, लेकिन जब आपके खेत से इतना बड़ा नींबू निकले तो आप क्या नहीं बना सकते हैं। दोस्तों, जरा इस नींबू के साइज को देख लीजिए, ये आपके सिर से भी ज्यादा बड़ा है। आपको बता दें कि ये ऑर्गेनिक नींबू है जो कि इंग्लैंड के किसान भाई ने अपने खेत में उपजाया है। जी हाँ दोस्तों, इस नींबू का वजन है तकरीबन 14 किलो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी बगीचे में बाकी जितने भी नींबू हैं वो नॉर्मल साइज के ही हैं, लेकिन दो नींबू अचानक ही इतने बड़े हुए कि सब इन्हें देखते ही रह गए। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों नींबुओं के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। क्या आप में से कोई भाई बहन इतना बड़ा नींबू उपजा सकते हैं क्या? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, दोस्तों लीक यानी हरा प्याज आपने खूब खाया होगा। इनका साइज नॉर्मली छोटा होता है, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें हरे प्याज का वजन है 22 पाउंड यानी लगभग 10 किलो। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 10 किलो वजन का एक प्याज आपको देखने को मिल जाए? लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। देखिए इस प्याज को दोस्तों, इसे भी इंग्लैंड के ही एक किसान भाई ने उपजाया है। कहा जाता है कि ये खेती को लेकर इतने सीरियस हैं कि इनका 16 से 18 घंटे का वक्त अपने खेत में ही बीतता है। दोस्तों, इस प्याज के नाम पे भी दुनिया के सबसे बड़े प्याज होने का रिकॉर्ड दर्ज है। कमाल का काम किया इस किसान भाई ने। भाई लोगों, इनके लिए भी लाइक और कॉमेंट तो बनता ही है। नंबर 3, दोस्तों ग्रेप फ्रूट, जिसे हम देसी भाषा में चकोतरा भी कहते हैं, ये चीजें छोटी सी होती हैं, लेकिन यहाँ तो इनका साइज कुछ और ही है। दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई अपने पेड़ पे 4 किलो वाला ग्रेप फ्रूट उपजा सकता है? लेकिन ये देखिए, ये फल किसी बास्केटबॉल की तरह नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि इस किसान ने एक ही साल में 2 बार सबसे बड़ा ग्रेप फ्रूट उपजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। भाई, ऐसे लोगों के लिए प्लीज जी भर के लाइक और कॉमेंट करते रहिए। नंबर 4, दोस्तों अनानास एक ऐसा फल होता है जिसे लगभग सभी पसंद करते हैं। आपने भी खूब खाया होगा इस फल को, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि अनानास का वजन ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 किलो का होता है। लेकिन जो हम आज आपको दिखाने वाले हैं उसे देख के कहेंगे, अरे ये क्या है भाई? जी हाँ दोस्तों, इस अनानास का वजन है 18 पाउंड यानी लगभग 9 किलो। क्या कोई सोच भी सकता है कि एक दिन 9 किलो का अनानास देखने को मिलेगा? यह है जैक, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। इन्हें शुरू से ही अनानास के बगीचे लगाने का बहुत शौक था, तभी तो इन्होंने एक 9 किलो का अनानास उपजा दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं कमेंट्स और लाइक्स के जरिए। नंबर 5, दोस्तों कुछ देर पहले हमने आपको हरे प्याज की कहानी बताई थी, लेकिन अब जरा नॉर्मल प्याज को भी देख लीजिए। ये भी 18 पाउंड का है, मतलब लगभग 9 किलो का। दोस्तों, इनका नाम है टोनी ग्रास, जिन्होंने 9 किलो का ये प्याज उपजाया है। दोस्तों, टोनी 16 साल की उम्र से ही अपने बगीचे में सब्जियां उपजा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 5 पाउंड तक का प्याज पैदा किया था और 18 पाउंड का प्याज उपजाकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। दोस्तों, ऐसे ऐसे जुनूनी लोगों के लिए आप अपना प्यार लाइक और कमेंट के जरिए जरूर दिखाइए। नंबर 6, दोस्तों टमाटर तो आपके घर में रोजाना ही इस्तेमाल में लाए जाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एक टमाटर को इतने बड़े साइज का देखा है कि उसका वजन 4 किलो तक का हो जाए? सोचिए जरा। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस टमाटर को, इसका वजन है 4 किलो। दोस्तों, डेन एक मजे हुए किसान हैं, इनको खेती बाड़ी के बारे में सब पता है। तभी तो डेन ने अपने ही पहले बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 4 किलो, भाई ये तो पूरे हफ्ते में भी खत्म नहीं हो सकता। नंबर 7, दोस्तों ये है मैरो, जिसका वजन है 113 पाउंड यानी कि 52 किलो। भाई साहब, कोई कैसे यकीन कर सकता है कि किसी खेत में इतना बड़ा मैरो भी पैदा किया जा सकता है? लेकिन मार्टिन, जो कि फ्रांस से हैं, उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। क्या कमाल का काम किया इस किसान ने।
ये 2006 से ही सबसे बड़े मैरो को उपजाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई और 2018 में इन्होंने सबसे बड़ा मैरो उपजा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों आपको बता दें कि ये मैरो इतने बड़े हैं कि एक इंसान इसे उठा भी नहीं सकता, इसके लिए दो या तीन लोगों की जरूरत पड़ती है। नंबर 8, दोस्तों पत्ता गोभी तो हर कोई ही खाता है। आपने भी मार्केट से कई बार पत्ता गोभी खरीदी होगी, लेकिन क्या आपने 138 पाउंड यानी कि 63 किलो का पत्ता गोभी कभी देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये हमारे देश में नहीं बल्कि ब्राजील के एक किसान के खेत में 3 साल की लगातार मेहनत के बाद उपजा है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए इस पत्ता गोभी को और याद रखिएगा इसे जब तक इससे भी बड़ा कोई मार्केट में नहीं आता। दोस्तों सबसे ज्यादा परेशानी किसान को तब आई जब इस पत्ता गोभी का उन्हें एक भी खरीदार नहीं मिला। इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत मुश्किल काम था। देखिए ना कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस किसान भाई ने इस पत्ता गोभी की मदद से नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सुपर्ब स्टफ, काफी बेहतरीन चीज यार। दोस्तों आप में से कोई ये बीड़ा उठा सकता है कि इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दें? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 9, दोस्तों आज हम आपको एक से बढ़कर एक सब्जियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, तो चलिए एक और शानदार चीज देख लीजिए। यह है स्वीट पोटैटो, जी हाँ, जिसे देसी भाषा में अलुहा भी कहा जाता है। लेकिन ये बात तो आप भी जानते होंगे कि ये साइज में ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही है। इनका साइज है 18 पाउंड यानी 9 किलो। देखिए कितना बड़ा दिख रहा है। वैसे ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। इसे भी उपजाया है मैनचेस्टर के एक किसान परिवार ने। जी हाँ, लगातार वो स्वीट पोटैटो के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। लगता है वो कुछ अलग करना चाहते थे, जिसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने 9 किलो के वजन का स्वीट पोटैटो अपने खेत में उपजा दिया। दोस्तों ये इतना बड़ा था कि किसान अकेले इसे खेत से निकाल भी नहीं सके। उनका कहना था कि चूंकि स्वीट पोटैटो जमीन के अंदर होता है, ऐसे में उन्हें इसका स्पेशल ख्याल रखने की जरूरत थी। दोस्तों क्या आपने इससे बड़ा स्वीट पोटैटो कभी पहले देखा था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 10, दोस्तों ये देखकर आपका सिर चकरा सकता है। कैन यू इमेजिन, एक कद्दू 1200 किलो के वजन का हो सकता है, लेकिन ये सच है। देखिए इस कद्दू के राजा को, भाई ये कितना बड़ा है। दोस्तों ये हैं मार्क, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। इन्होंने लगातार दूसरी बार सबसे बड़े कद्दू को उपजाने का नया कीर्तिमान बना लिया है। दोस्तों ये इतना बड़ा है कि इसे देखकर कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ये कोई कद्दू है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? नहीं ना, लेकिन ये है तो एक सच्चाई ही। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ये किसान आपके सामने हैं। 2016 में कद्दू के साइज को लेकर फ्रांस में एक प्रतियोगिता हुई थी, जहां मार्क के इस कद्दू ने तहलका मचा दिया था। दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़े कद्दू को पैदा करने के लिए हर साल एक बड़ा कंपटीशन होता है, और आप यकीन नहीं करोगे कि हर साल ही यहाँ कोई ना कोई नया रिकॉर्ड भी बनता रहता है। तभी तो मार्क का कहना है कि आने वाले सालों में भी इससे बड़ा कद्दू उपजाने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई आप अपने कमेंट के जरिए मार्क को गुड लक जरूर कहिए। नंबर 11, दोस्तों क्या आपने 10 किलो का गाजर देखा है क्या? नहीं ना दोस्तों, मैं सिर्फ एक गाजर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, 10 किलो का गाजर, ये भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि फ्रांस के मार्को के नाम पे है। हालांकि इनके गाजर को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये गाजर है या कुछ और, लेकिन जिस तरह से इस गाजर को उपजाया गया है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि इस किसान ने बहुत मेहनत की थी और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बिल्कुल डिजर्व करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था 8 किलो के गाजर का। इस मीठे गाजर के लिए फटाफट कीजिए कमेंट और लाइक। नंबर 12, दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपका फेवरेट फ्रूट यानी कि मैंगो। आम का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन ये जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाया है फिलीपींस के इस पति पत्नी की जोड़ी ने। इन्होंने एक 3 किलो का आम उपजाया है। जी हाँ दोस्तों, ये कई सालों से आम की उपज कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन एक दिन किसी ने इनके आम की तस्वीर को सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद वर्ल्ड मैंगो एसोसिएशन ने फिलीपींस में आकर इनके आम का वजन किया और पाया कि ये है आमों का सरताज। हालांकि आपको बता दूं कि फिलीपींस के लोगों का कहना है कि इनके आम जितने बड़े होते हैं उससे भी ज्यादा मीठे होते हैं। हालांकि अगर आपको इनका आम टेस्ट करना है तो आपको फिलीपींस जाना होगा। नंबर 13, दोस्तों ये है सबसे ज्यादा केला पैदा करने वाला पेड़। हालांकि हम ये नहीं जानते कि ये जो केला है जो इतना बड़ा लग रहा है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है कि नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि इतना बड़ा केला मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखिए कितना बड़ा दिखता है, पेड़ के टॉप से लेकर जमीन तक सिर्फ केला ही केला। भाई मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। नंबर 14, दोस्तों अंत में अब जरा इस बीटरूट को भी देख लीजिए, ये कितना बड़ा है। ये देखिए, क्या आपने कभी इतना बड़ा चुकंदर देखा था इससे पहले? दोस्तों हमें ये नहीं पता है कि ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है कि नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि ये बीटरूट वाकई में बहुत बड़ा है और शानदार है, और जिन्होंने इसे उपजाया है वो खुद भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं
और ये पोस्ट भी इन्होंने खुद ही किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक भी कर दीजिएगा।